में दिया हुआ आपको एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पे आपका एडी एक मीडियन है, एडी आपका एक मीडियन यहां पे दिया हुआ है, ये आपका एडी हो गया, मीडियन आपको दिया हुआ है एडी। हमें प्रूव क्या करना है, और एक ई एक पॉइंट है इस मीडियन पर, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल एबीई, ये एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई, ये बराबर होगा, ये दिखाना है, ठीक है ना। और मीडियन दिया हुआ है, मध्यिका दिया हुआ है यहाँ पे एडी, ठीक है। हम जानते हैं, अगर मान लो प्रूव करेंगे हम, तुम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि कोई मीडियन जो होता है, मीडियन क्या करता है, वो दो ट्रायंगल को बराबर भाग में बांटता है, तो वहां पे दोनों भाग का एरिया भी क्या होता है, दोनों सेम सेम होता है, ठीक है। यानी कि एरिया वन इक्वल टू एरिया टू हो जाएगा आपका किसी एक ट्रायंगल के अंदर का, ठीक है। अब देखो यहां पर, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है, एडी इज मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। यानी कि ए बी डी का एरिया हो जाएगा ए सी डी के बराबर हो जाएगा, यहां तक सही है। अब ध्यान से सुनिए यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, कि चूंकि ये लाइन मीडियन है, मीडियन है तो ये एक पॉइंट है। अगर मान लो हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल बी ई सी की, ट्रायंगल बी ई सी की अगर हम बात करें यहां पे, तो बी ई सी में ई डी भी क्या कहलाएगा आपका, एक मीडियन ही कहलाएगा, क्योंकि मीडियन का एक पॉइंट है ना ये, ई डी इज ऑल्सो ए मीडियन, मीडियन कहलाएगा यहां पर। और जैसे ही इसको मीडियन कहेंगे ईडी को, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये मीडियन क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये छोटा ट्रायंगल जो लिए हम लोग, यानी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। अगर ये 10 होगा तो भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब बताइए कि पूरा ये हिस्सा इससे इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इसमें हम ये माइनस करते हैं तो ये बचेगा, और उसी में से ये माइनस करें तो ये बचेगा ना आपका। यानी कि लिखने का मन हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ए बी डी, ए बी डी में क्या किए जी हम, माइनस किए किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको, बी ई डी को, ए बी डी में क्या किए, बी ई डी को माइनस किए हम, बी ई डी को माइनस किए, और एक तरफ ये भी कौन नहीं लिखते, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, इधर लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ये हिस्सा आपका जो ए सी डी है, ए सी डी इसको लिख रहे हैं, ए सी डी माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको, सी डी को, सीई डी को, सीई डी को कर रहे हैं माइनस, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा यहां पर, एकदम ध्यान सुनिएगा, ये ट्रायंगल एरिया इससे इक्वल है और ये बाबू साहब इससे इक्वल है। यानी कि अगर मान लो ये पूरा 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ पूरा, और ये अगर 10 माने हैं तो ये कितना माने हैं, 10 माने हैं। तो बताइए कि 50 में गया 10 कितना बचेगा, 40, और 50 में गया 10 कितना बचेगा, 40, तो 40 बराबर 40 इक्वल हो जाएगा ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल मीडियन घटा दो, पूरा मैं ये घटा दो तो मेरा क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा ना। तो यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल एरिया ए बी ई, और यहां क्या निकलेगा, पूरा में ये घटा दो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, इधर क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, और ये वाला प्रूव हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पे हमने मीडियन प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन को बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी जहां पे ई का मिड पॉइंट है किसी मीडियन ए डी का, आपको दिखाना है ई बी ई डी बराबर होगा 1/4 ए बी सी का। और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल अगर यहां ड्रॉ करेंगे तो सपोज मान लो ये ट्रायंगल आपका हो गया जहां पे ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल में आपका क्या है, ई मिड पॉइंट है किसी मीडियन ए डी का। तो पहले मीडियन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए डी आपका मीडियन हो गया, मीडियन यानी कि जो बीचों बीच इसको काटता हो, किसी ट्रायंगल को बांटता हो, ठीक है ना, ए डी हो गया। और इसी ए डी पे मिड पॉइंट है ई, मिड पॉइंट मान लेते हैं यहां मिड पॉइंट इसका हो गया ई, हो गया ई, ठीक है ना। और इसको मिला दे यहां से, क्योंकि बोला गया है ट्रायंगल बीईडी का एरिया, बीईडी का एरिया 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल एबीसी का। मतलब अगर मान लीजिए पूरा एरिया 40 है तो ये आपका 10 होना चाहिए, 1/4 और 40 कितना, 10 ही होता है ना, ये आपका होना चाहिए। अब ध्यान दो यहां पर, एक बात समझो, यहां पर
एक बात समझिए कि अगर मान लो बोला जा रहा है कि AD मेडियन है इस ट्रेंगल का, मतलब बोले ना कि AD अगर मेडियन है तो BD बराबर DC होगा। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BC का। और यहां बोला गया कि E क्या आपका मिड पॉइंट है AD का। अगर E मिड पॉइंट है AD का तो यहां ये कह सकते हैं हम लोग कि AD बराबर क्या होगा, ED हो जाएगा। अगर E आपका मिड पॉइंट है, अगर E इज मिड पॉइंट मान लो है, अगर मिड पॉइंट है किसका जी, ए डी का, तो मतलब कि ए ई बराबर डी होगा ना जी, ए बराबर डी होगा ना। मतलब कहने मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि बी ई क्या हो जाएगा, बी ई इज मेडियन कहलाएगा, ये मैंने काम करेगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये अगर बराबर मान रहा है तो ये ट्रेंगल अगर देखेंगे हम तो आपका ये क्या कहलाएगा, मेडियन कहलाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब देखिए काम मेरा आसान हो गया। अब देखो यहां पर हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप जान रहे कि ए डी मेडियन है तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी का, क्योंकि ये मेडियन है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका ये मेडियन है तो अगर ए बी डी में, अगर ट्रेंगल ए बी डी में अगर देखा जाए तो यहां पे बी क्या आपका मेडियन है, और जब ये मेडियन होगा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा ना। तो यहां कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका, डी बी ई, ये सही से बराबर हो गया। अब ये मिड पॉइंट है तो इधर से मीडियन कहेगा ना जी, ये तो मीडियन कहलाएगा ना, इसको बांट रहा है तो इस ट्रेंगल की बात करें हम पूरे ट्रेंगल की, ये मिड पॉइंट है ये मीडियन कहलाएगा, मतलब कि ये हिस्सा यहीं से बराबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं यहां से कि ट्रेंगल ए डी सी में, ए सी डी लिखो यहां पर, ए सी डी में हम कह सकते हैं ए सी डी में कि आपका ट्रेंगल ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी बोलो इक्वल टू किसका हो जाएगा, एरिया ट्रेंगल डी सी डी का। बोलिए यहां तक बात समझ आ गई है, यहां तक बात समझ में आई, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई है। अब ध्यान दो कि इनका यूज करते हुए ये लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी पूरा, ट्रेंगल ए बी सी पूरे का एरिया इक्वल टू, इस पूरे का एरिया लिख सकते हैं इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। देखो यहां पे हम लिख सकते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी ई, ए सी ई प्लस यहां लिख देते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा जी, डी सी ई, डी सी ई, ये इतना हम लिख दिए यहां पे। हम क्या किए, एक बड़े ट्रेंगल को क्या किए हम छोटा छोटा करके हम बांट दिए, सबको मिला दिए, सेम सबको जोड़ेंगे मान लो तो यही आएगा ना, ए बी सी आएगा पूरा आपका पूरा आ जाएगा। अब ध्यान सुनना यहां पर BED जो आपका है, BED जो यहां पर आपका है इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, और इसके जगह क्या कर रहे हैं, ABE की जगह पे क्या कर रहे हैं हम, ABE क्या है इसके बराबर है ना, हम लोग प्रूफ किए थे ना अभी BB के बराबर AB प्रूफ किया ना, क्योंकि ये मीडियन आपका है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर मान लो ये 10 हुआ तो ये भी 10 हुआ ना, तो इस 10 की जगह पे हम इसका 10 लिख सकते हैं ना, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या BED लिखेंगे ना, BED ऐसा नहीं तो ऐसा सोचो, ये पूरा ट्रेंगल था सपोज कि पूरा के लिए मान लो 50 हो गया, चलो 40 हो गया मान लो, पूरा के लिए कितना हो गया 40 हो गया। अब क्या किया गया कि फर्स्ट में क्या देखा गया कि ये मीडियन था तो 40 से पूरा थी, ये कितना होगा मिला के, ये 20 होगा, ये कितना होगा 20 हो जाएगा। अब ये 20-20 मान लो हुआ, अब यहां क्या देखा गया कि ये भी मेडियन है इस ट्रेंगल का, तो पूरा 20 है तो कितना होगा, ज्यादा बटेगा ना, कितना हो जाएगा 20 फटा के कितना होगा, अब ये 10-10 हो गया, ये भी पूरा 20 था, ये कितना ज्यादा था 10-10 यहां हो गया, तो सब 10-10-10 हो गया, मतलब सबका एरिया अगर 10-10-10 है मतलब सभी ट्रेंगल जो छोटा ट्रेंगल आपस में क्या है बराबर है ना, तो हम सबके जगह अगर बी डी यहां लिखे हैं तो सबके जगह बी डी लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं यहां या ना लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग बीईडी।
हिंदी है ना। अब देखो ये भी बीईडी, इसके पे बीईडी, इसके पे बीईडी, इसके यहाँ पे भी बीईडी, मतलब कितना बीईडी हो गया मेरे पास, चार पे बीईडी हो गया, यानी हो गया 4 into area of triangle BED। और इधर मैं क्या चल रहा था, ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ये मेरा चल रहा था। ये चार उठ के जब इधर आएगा तो भागा लगेगा ना, भागा लगेगा तो यहाँ लिखते हैं हम, ये भागा लगेगा यहाँ से उठ के, जब भागा लगेगा तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ था एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ था 4 into area of triangle BED, मतलब कितना हो जाएगा जी, ये चार इधर आ जाएगा तो 1/4 into area of triangle ABC इक्वल टू हो गया ट्रायंगल ऑफ एरिया बी ई डी का वही एरिया जो भी लिखना लिखो यहाँ पर, ठीक है, एरिया ट्रायंगल बी ई डी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, सो डेट एरिया ट्रायंगल बी ई डी बराबर हो गया 1/4, ठीक है ना। यानी कि अगर पूरा 40 है तो कितना होगा, 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन गया। क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला गया है कि सो डेट डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। एक पैरेललोग्राम मान लो ड्रॉ किया यहां पे हम, और इसका डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल हो गया आपको और ये डायगोनल आपका हो गया, ये क्या कर रहा है, इस चार बराबर एरिया में बांट रहा है ट्रायंगल का, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये बना, 2 3 4 बना ना, 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यहां मान लो ओ नाम दे दिए, अब सुनिए यहां पे, इसमें लिखना कम हम लोग को है, बस ये समझिए आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पढ़े है ना। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहां अगर इसको हटाए भी हम ये कर सकते हैं कि ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी। जब ओ ए बराबर ओ सी हो गया बाबू, तब ओ कर सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कर सकते हैं ना, ओ मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह से आपका ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी, तो ये कह सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, यानी कि ओ आपका इसका भी मिड पॉइंट है और ओ आपका इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। तो अगर मान लो कि ओ इस लाइन का मिड पॉइंट है ए सी का, तब ये क्या कहलाएगा, इसका मीडियन इस ट्रायंगल का, हाँ या ना। उसी तरह से अगर वो मिड पॉइंट है तो इसका मीडियन कहलाएगा ना, इस ट्रायंगल का। साथ ही साथ अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी कहलाएगा मीडियन इस ट्रायंगल के लिए, और ये मीडियन मान लो मिड पॉइंट है तो ये आपका कहलाएगा मीडियन इस ट्रायंगल के लिए। अगर मान लो, अच्छा एक प्रॉपर्टी और पढ़े हैं कि डायग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल, जो प्रूव किए थे हम लोग कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल जो होता है वो बराबर बराबर भाग में बांटता है पैरेललोग्राम को, पढ़े है ना, दो भाग में बांटता है इक्वल एरिया में। तो अगर मान लो पूरा 50 था या पूरा 100 था, मान लो अगर पूरा पैरेललोग्राम के लिए 100 हुआ तो ये कितना हो गया, पूरा 50 हुआ, ये कितना हुआ आपका 50 हुआ, 50 हुआ ना। और भी जस्ट बोले भी कि आपका डी वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा ना इस ट्रायंगल के लिए। तो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को बराबर भाग बांटता है, तो ये पूरा 50 जब है तो ये कितना हो जाएगा, 25 25। इधर से ये मीडियन है तो कितना होगा, 25 होगा ना, 25 25 यहां होगा, तो सब 25 हो गया, 25 25 25 25। यही आपको लिखना है वहां पे। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं, पहला कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जहां से ये मिड पॉइंट मिल गया हमको और कह दिया कि डी वो मीडियन है। दूसरा प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल हाफ एरिया, ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप। और यहां से यूज करने के बाद हम लोग इस चीज को 25 25 करके बांट दिए, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिएगा, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करेंगे।